नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा सत्र 2019 से 2020 के बारे में विस्तार पूर्वक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एट RUHS वेबसाइट, तो यह है 12/9/2019 और जो वेबसाइट है वो कौन सी हमारे पास में www.ruhsraj.org। लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ईट RUHS वेबसाइट 4/10/2019। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट RUHS फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स ओनली थ्रू प्रॉपर चैनल, तो डेट कब की है 9/10/2019। डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड, जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर की जो सेकंड वीक है उसमें निर्धारित किया गया है। प्रिंटआउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, तो आपको जो प्रिंटआउट जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब जमा कराने पड़ेंगे, वो होगा टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट द अलॉटमेंट कॉलेज। अब बात करते हैं हम फीस की, तो ऑल कैंडिडेट हैव टू पे नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी ऑफ ₹1,500 एंड ST, SC and PH कैटेगरी कैंडिडेट्स ₹715 ओनली, अर्थात जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उन्हें ₹1,500 जमा कराने होंगे, जबकि ST, SC और जो PH कैंडिडेट्स हैं उन्हें ₹750 जमा कराने होंगे। प्लस ई मित्रा सर्विस चार्ज एज पर गवर्नमेंट रूल एट एनी ई मित्रा ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और यूजिंग ई मित्रा .gov.in पर भी आप जो के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आप फी जमा करा सकते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी इज नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल एंड नॉन एडजस्टेबल, एनी पीलिया इन दिस मैटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, तो किसी भी परिस्थिति में आवेदन जो शुल्क है वो पुनः नहीं लौटाया जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉन सर्विस, ये किसके लिए एलिजिबिलिटी है, ये है नॉन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। तो शुड हैव पास्ड द हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट और 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ या बोर्ड, तो उन्हें 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और 10+2 और इसके समकक्ष अगर कोई एग्जाम है तो वो पास किया हुआ होना चाहिए। शुड हैव ऑब्टेंड ए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बिफोर द इम्प्लीमेंशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स एंड शुड बी रजिस्टर्ड एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी विद द रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो यहाँ पर उसको कैसा होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इसमें जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी GNM का जो डिप्लोमाधारी होना चाहिए। एड उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किस में होना चाहिए, जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर भी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। शुड हैव ऑब्टेन्ड ए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आफ्टर द इम्प्लीमेंशन ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स एंड रजिस्टर्ड एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ विथ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल। द कैंडिडेट शुड हैव अंडरगोन GNM with institution which is recognized by Indian Nursing Council. A candidate shall be medically fit, और स्वास्थ्य से पूर्ण रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। अब बात करेंगे हम इन सर्विस कैंडिडेट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केवल राजस्थान में स्थित जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्हीं के लिए ये जो प्रमाण योग्यता है वो लागू होगी। In addition to the eligibility criteria prescribed for non-service candidate,
द इन सर्विस कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिस्ट बिलो। सबसे पहला जो कंडीशन है वह द कैंडिडेट शुड बी इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी वो राजस्थान सरकार के अधीन जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं वो रहना चाहिए। ही या शी शुड हैव कम्प्लीटेड एट लिस्ट 2 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर रेगुलर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी रेगुलर अपॉइंटमेंट के बाद में वो 2 साल तक नियमित रूप से सेवाएं दे रहा होगा। द कैंडिडेट वुड वी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट टू द अबोव इफेक्ट ड्यूली साइंड बाय डायरेक्ट मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ऐसे व्यक्ति को जो 2 साल का जो एक्सपीरियंस होगा कंटिन्यूस सर्विस का जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मेडिकल एंड सर्विस के जो डायरेक्टर है मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर के द्वारा हस्तांतरित हस्ताक्षर युक्त जो प्रमाण पत्र है वो जमा कराना होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 2nd week ऑफ अक्टूबर 2019 will be uploaded before last dated of online application for at RUHS website। तो जो अक्टूबर का जो 2nd week है वो एग्जाम के लिए निर्धारित किया गया है, और जो ऑनलाइन होगा जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, CBT बेस्ड होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट द एग्जामिनेशन सेंटर जयपुर, और जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन सेंटर वो कहाँ होगा, जयपुर में होगा। द डिटेल ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल एट RUHS वेबसाइट, प्लीज रेफर टू RUHS वेबसाइट रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सीकिंग एडमिशन इन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग शेल बी ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ GNM कोर्सेस और इक्विलेंट एंड कवर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्सेस। तो जो सिलेबस होगा वो GNM जो कोर्स होता है उसी के आधार पर होगा। तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो कोर्स है वो अन्य सब्जेक्ट हैं जो उसको कवर करते हैं, और साथ में GNMM की जो सिलेबस है उसको मिलाकर तैयार किया गया है। इस सर्विस का जो पेपर है वो इस प्रकार रहेगा, देयर शेल बी 1 पेपर, एक पेपर होगा, 2 आवर्स जो ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे की रहेगी, एंड 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्ट टू बी इंक्लूड इन द पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, न्यूट्रिशन, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्ट्रिकल नर्सिंग एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे सिलेबस को कवर किया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन If any discrepancy, there is the English version priority। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जामिनेशन होगा। जो इंस्ट्रक्शन होंगे जो आज निर्देश होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके इंग्लिश जो वर्जन होगा वो मान्य होगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। द अलॉटमेंट ऑफ सेंटर रोल नंबर एंड सिटिंग अरेंजमेंट विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जयपुर। द कैंडिडेट इज एक्सेप्टेड टू द टेक हिज हर सीट एट लेस्ट 2 आवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट कमिंग आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एडमिट कार्ड बिफोर ही शी इज अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसमें बिना एडमिट कार्ड के
प्रवेश नहीं दिया जाएगा और जो एग्ज़ाम होगा उसके 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना होगा और 15 मिनट के बाद में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी एग्ज़ाम के अंदर, अतः समय से पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कैरी एनी टेक्स्ट मटेरियल रिटन और प्रिंटेड ऑफ पेपर ऑफ एनी अदर मटेरियल एक्सेप्ट द एडमिशन कार्ड इशू द होल। तो किसी भी प्रकार का जो लिखा हुआ सामग्री या प्रिंटेड सामग्री या किसी भी प्रकार का जो पदार्थ या जो पेपर है वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाने हैं, केवल एडमिट जो कार्ड होगा, एडमिशन जो कार्ड है केवल उसी को ही एग्जामिनेशन हॉल में लाने दिया जाएगा। सेलुलर मोबाइल फोन पेजर सर्कुलर कैलकुलेटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल नॉट बी परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो किसी भी प्रकार की जो मोबाइल है, पेजर है, कैलकुलेटर है या अन्य भी कोई इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो एग्जामिनेशन में अनुमति नहीं दी जाएगी। द डिटेल रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस 2019-20 शील बी अवेलेबल एट RUHS वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेस। इन एडिशन प्रोविजनल लेट डाउन इन ऑर्डिनेंस 152 टू डील विथ केसेस ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बाय द यूनिवर्सिटी सच कैंडिडेट विल नॉट अल्सो वी डील इट विथ। एडिशनली इन परिश्वेंस ऑफ द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 अगर किसी भी प्रकार की सामग्री पेज इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पेजर या मोबाइल पाया जाता है तो प्रिवेंट ऑफ अनफेयर जो निरोधक रोधक जो कानून है 1992 इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। द यूनिवर्सिटी शेल अरेंज फॉर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप देयर हेड इन अपराइट पोजिशन एंड फेस द कैमरा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सो दैट देयर आइडेंटिटी कुड बी क्लियरली एस्टाब्लिश्ड। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अरेंज करेगी, व्यवस्था करेगी वीडियोग्राफी की फोटोग्राफी की और जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसी के साथ में जो विद्यार्थी होंगे उन्हें कैमरे के सामने रहकर अपनी जो फ़ोटो खिंचवानी होगी और जो आइडेंटिटी क्लियर है जो अपनी पहचान है वो बतानी होगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इम्प्रेशनेशन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शेल आल्सो बी ऑब्टेंड ऑन ए बायोमेट्रिक मशीन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन केस लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कुड नॉट बी रजिस्टर्ड ऑन द मशीन ड्यू टू इंजरी ऑफ और सम अदर रीजन राइट थंब इम्प्रेशन और इम्प्रेशन ऑफ एनी फिंगर इन केस अदर थंब इज ऑल्सो इंजर्ड शेल बी रजिस्टर्ड ऑन द मशीन। तो जो बायोमेट्रिक जो मशीन होती है उसमें जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा उस समय आपका जो थंब है उसका इम्प्रेशन देना होगा। अगर किसी कारणवश लेफ्ट थंब नहीं है तो राइट थंब का जो इम्प्रेशन है वो देना होगा या किसी भी उंगली का जो इम्प्रेशन है वो आपको दे सकते हैं। अगर अंगूठा भी इंजर्ड है या चोटग्रस्त है तो ऐसी स्थिति में मशीन की सहायता से आप किसी भी फिंगर का जो जो प्रिंट है या जो इम्प्रेशन है वो दे सकते हैं। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू गो आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल टिल द completion of the examination. There will not be any negative marking. तो इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का जो ऋणात्मक अंकन है वो नहीं है। The jurisdiction of the court cases will be at Jaipur. वाद विवाद का जो विषय रहेगा वो जयपुर कोर्ट रहेगा। The appearance in the admission test will not confirm any right upon the candidate to be admitted to the courses. Each question shall have 4 options to answer, out of which only one shall be correct. +1 mark shall be awarded for each correct answer, and 0 marks
फॉर एनी एन इनकरेक्ट आंसर ऑफ एन अटेम्प्ट क्वेश्चन देयर शेल वी नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप कोई प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करते हैं या करेक्ट आंसर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नंबर नहीं कटेंगे, आपको जो सही आंसर दिया है उसी में आपके नंबर मिलेंगे। अगर हम एज की बात करें तो देर इज़ नो एज लिमिट फॉर द एडमिशन टू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो यहाँ पर एज की कोई बाध्यता नहीं है। एडमिशन प्रोसीड्यूर, तो एडमिशन किस प्रकार होगा। सेलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019-20 विथ 1% बोनस मार्क्स ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी 2 ईयर ऑफ नर्सिंग सर्विस अंडर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन 4/10/2019 फ्राइडे। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन होगा मेरिट बेस के आधार पर एंटर्स एग्जामिनेशन, उन्हें 1% जो सर्विस कैंडिडेट्स हैं उन्हें 1% का बोनस अंक दिया जाएगा। कब? एवरी 2 ईयर ऑफ नर्सिंग सर्विस अंडर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है 4/10/2019 तक जो कैंडिडेट्स हैं जो सर्विस में हैं उसके 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए तभी उसको 1% जो बोनस वो दिया जाएगा। बोनस मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड इन फ्रैक्शंस। इन सर्विस कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू सर्व इन एनी अदर इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। तो ये कहने का मतलब है कि आपके जब आप डॉक्यूमेंट जमा करा दें तो आपके पास में क्या होना चाहिए, जो रिलीविंग ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोगों को जो बोनस मांग के वो दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम काउंसलिंग की। द अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज शेल बी मेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी बोनस मार्क सीट अवेलेबल इन ईच कॉलेज एंड द प्रायोरिटी ऑफ चॉइस ऑप्शन ऑफ द कॉलेज फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू नॉट जॉइनिंग ऑफ द कैंडिडेट विद इन द स्टूपलेटेड टाइम शेल बी फील्ड बाय कैंडिडेट फॉर फ्रॉम द मेरिट लिस्ट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट द ईयर लिस्ट। इन केस ऑफ द टाई पोजिशन बिटवीन द टू मोर देन टू कैंडिडेट सेलेक्शन शैल बी मेड इन फॉलोइंग ऑर्डर। अगर कोई दो विद्यार्थी एक ही सीट पर एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से काउंसलिंग में लिया जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प फॉर पासिंग जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो उसने कितने अवसरों के अंदर जो जनरल नर्सिंग है जिसे GNM कहते हैं वो कितने समय में कितने अटेम्प में उसने पास किए। तो जो एग्जामिनेशन लेस अटेम्प गेट प्रेफरेंस, और जिसने कम अटेम्प में GNM पास किया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट ओल्डर विल गेट प्रेफरेंस, और जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्रिफेर किया जाएगा या उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एट द हाई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिवली वी कंसिडर्ड, तो जैसे इसने मार्क्स प्राप्त किया है अधिक जैसे सीनियर सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी में तो उसको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर अलॉटमेंट एट RUHS वेबसाइट। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द अलॉटमेंट लेटर यूजिंग कैंडिडेट लॉगिंग ऑप्शन एंड रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज। द नॉन व्यूइंग ऑफ द RUHS वेबसाइट अबाउट अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन बाय द कैंडिडेट शेल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ग्राउंड ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एट द अलॉटमेंट कॉलेज ऑन द शेड्यूल टाइम एंड डेट। द कैंडिडेट्स अलॉटमेंट विल स्टैंड ऑटोमेटिकली इफ यू शी नॉट रिपोर्ट इन पर्सन द अलॉटेड कॉलेज एर नोटिफाई शेड्यूल।
अगर कोई विद्यार्थी अलॉटमेंट कॉलेज में अपनी ज्वाइनिंग नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो अलॉटमेंट कॉलेज है वो ऑटोमेटिक ही निरस्त हो जाएगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटमेंट अलॉटेड कॉलेज एंड डिपॉजिटिंग ऑफ द फीस एंड अदर डॉक्यूमेंट। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द अलॉटमेंट कॉलेज द कैंडिडेट विल हैव टू कैरी प्रिंट आउट ऑफ अलॉटमेंट लेटर। सबसे पहले क्या लेना होगा हमें, जो प्रिंट आउट होगा अलॉटमेंट लेटर उसे लेना है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट प्रिस्क्राइब फीस, और जो डिपॉजिट जो फीस है अलोंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट ऑफ प्रिंट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अलोंग विथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट। तो जो भी ओरिजिनल जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज को लेकर जाना होगा, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी ले जाना होगा, साथ में जो फीस जमा करानी है उसको भी ले जाना होगा, और जो अलॉटमेंट जो लेटर है उसको भी साथ में ले जाना होगा। द इन सर्विस कैंडिडेट शेल हैव टू सबमिट कॉपी ऑफ द रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। और जो रिलीविंग जो ऑर्डर होंगे, जो राजस्थान सरकार ऑफ गवर्नमेंट जो नर्सिंग के द्वारा जिस संस्था में आप काम कर रहे हो गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में, तो वो आपको रिलीविंग जो ऑर्डर है वो भी प्रदान करेगी, तो ही आपको उन कॉपी को सबमिट करना होगा। द कॉलेज शेल बी प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड। द कॉलेज शेल वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ रिपोर्टिंग कैंडिडेट एज पर दिस लिस्ट एंड चेक द डॉक्यूमेंट एंड अदर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट विथ ओरिजिनल ओरिजिनल्स। तो जो कॉलेज की जिम्मेदारी होगी कि वो उस विद्यार्थी को वेरीफाई करें और इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जांच करें। द एडमिशन शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ एनी पेंडिंग केस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एप्लीकेबल इफ एप्लीकेबल टू दिस एडमिशन। फर्दर द प्रोविजनल स्टेट ऑफ एडमिशन शैल स्टैंड क्लियरली ऑन आफ्टर एनरोलमेंट बाई RUHS। द डिसीजन ऑफ द एडमिशन बोर्ड शैल बी फाइंड एंड बाइंडिंग टू ऑल। ऑल द जजमेंट रिलेवेंट टू द दिस एडमिशन पास्ड बाई एनी ऑनेबल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज वेल एज रूल्स एग्जिटिंग एट द टाइम ऑफ making admission will be applicable on this admission and the candidate will have to abide compulsorily with such judgment rule and change the jurisdiction of court case will be at Jaipur। तो किसी भी प्रकार की जो बाध्यता है उसका जो निर्णय रहेगा अंतिम वो जयपुर के द्वारा ही लिया जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान बेसिक पोस्ट नर्सिंग BSc नर्सिंग के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की तथा विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। नर्सिंग से संबंधित जो वेबसाइट है वह www.ruhsrs.org ये वेबसाइट है। इसका जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा दिया है, तो आप डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू भी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो या डाउट हो तो 0141-279-5527 जो फ़ोन नंबर है इन पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस सेज के जो कोर्सेज हैं बेसिक पोस्ट BSc नर्सिंग उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC विद HSM के साथ। जय हिंद जय भारत।